पसंद नापसंद जाहिर करने का जितना हक लड़के को होता ही, उतना लड़की को भी तो होना चाहिए ना। ये लीजिए आपके बेटे की शादी का कार्ड। ला मुझे कार्ड दो। आप बहुत अच्छी हैं, मुझसे दोस्ती कर लोगे? मैं आपको संतोष डिंकी की शादी तक उधार दे रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी 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 रमा दीदी, क्या बात है दीदी, ये घर बहुत खाली खाली लग रहा है। अब तू आ गई है ना, अब भर जाएगा। अमित कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मौसी। अमित, अरे बस बस, कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ। सुन, सुना है तेरी डिंकी बहुत खूबसूरत है। मौसी डिंकी नहीं, अमृता। हाँ, पर दीदी आपने तो कहा था कि उसका नाम डिंकी है। घर पे उसे डिंकी बुलाते हैं, बहुत अच्छा नाम है। सुन, हम तो उसे डिंकी कह कर बुलाएंगे। ठीक है, कब मिलवा रहा है उसे? शादी के रोज मिलवा देता। शादी के दिन? उससे पहले क्यों नहीं? अच्छा अच्छा मौसी, नाराज क्यों होती हो? पार्टी के रोज मिलवा। अरे भाई पार्टी तो शादी के बाद होती है ना। नहीं मौसी, आजकल कुछ पार्टियां शादी से पहले भी होती है ना, जैसे बैचलर्स पार्टी। अच्छा ठीक है। अच्छा मौसी मैं चलता हूँ, बहुत सारा काम है मुझे। सुन, इनके से मिलना भी बाकी है क्या? हाँ है। भगवान करे दोनों को किसी की नजर ना लगे, बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। दीदी जीजा जी से बात हुई, वो शादी में आ रहे हैं ना? रमा उन्हें कार्ड तो दे के आई हूँ, अब आए ना आए उनकी मर्जी। नमस्ते जीजा जी। जीजा जी, ये रिश्ता तो मेरी जिंदगी से कब का खत्म हो चुका है, फिर भी आपकी तारीफ। जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक यू आर रमा, am I right? Yes, you're right, जीजाजी। जीजाजी मत कहो प्लीज मुझे। तुम्हारी दीदी की कारस्तानियां मुझे याद आने लगती है। प्लीज प्लीज डोंट कॉल मी जीजाजी। तो क्या कहूं, जो रिश्ता है उसी नाम से पुकारूंगी ना। पता नहीं आपने दीदी के साथ रिश्ता तोड़ा या उन्होंने आपके साथ, लेकिन आप आज भी मेरे लिए मेरे जीजाजी हैं। बड़ी उम्मीदें थी कि आप आकर अपनी साली का हालचाल पूछेंगे, लेकिन रमा तुम्हारे हस्बैंड के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था, मगर मैं क्या करता, काम बहुत था इसलिए आ नहीं सका। आई एम सॉरी। जो चले गए उसके पीछे जहां तो नहीं जा सकता ना चीचा जी, लेकिन जो है उनकी खुशियों में शामिल तो हुआ जा सकता है। मतलब? मैं आपको लेने आई हूं अमित के लिए। नहीं रमा, मैं नहीं आ सकता। क्या आपके पास आज भी वक्त नहीं? नहीं वक्त है, मगर तुम जिसके लिए मुझे लेने आई हो ना, मेरा बेटा नहीं। वो मेरा बेटा है। क्या क्या आप मेरे बेटे की शादी में शामिल नहीं होंगे? दिल को बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है, मगर रिश्ते खून से होते हैं तो इस बात से नहीं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अमित मेरा नहीं आपका बेटा है? अब तो मेरा बेटा है, मगर उसने कभी मुझे बाप नहीं समझा। चाचा जी अमित तो छोटा है, बच्चा है, उससे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आप बड़े हैं, आप अमित को छोटा समझ के उसकी गलतियों को माफ कर दीजिए। देखो रमा, प्लीज जीजाजी आपको आना ही होगा, अगर आप नहीं आए तो मैं यही समझूंगी कि आपके दिल में हर किसी के लिए नफरत ही नफरत है।
प्यार नहीं। बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैंने अहमद से भी कहा था और अब आपसे भी कह रहा हूँ, अगर मेरी बात बिल्कुल नहीं टालेगा, आप यही करो, कल उस लड़की को यहाँ बुला लो। जी मैं ऐसा ही करती हूँ। पर बीवी, ओ बीवी, अरे यहाँ बैठे गप्पे हाँकती रहोगी या कुछ काम भी करोगी? नीचे जाओ, बच्चों का हाथ बटाओ। और पावी, पहले पूरी बात समझ लो। नहीं अहमद, मैं पावी से जरूरी बात कर रहा था। और ढिंकी की शादी से ज्यादा जमीन से तौर कोई काम है क्या? मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, कौन सा सामान आ चुका है और कौन सा लाना बाकी है। अब रहा लाने वाले सामान में, दो जयमालाएं, ठीक है, ठीक। मिलनी की रस्म के लिए 10 हार, 10 लिखवाएंगे तुम्हें? हाँ। मैं 9 मंगवा रहा हूँ। क्यों 9 क्यों? वो अमित का गंजा बाप तो आएगा नहीं। छोड़ यार, लाएं उसको, मजाक का वक्त नहीं। अच्छा, डिंकी के गहने लेने में खुद जाऊंगा। और रहा खाने पीने का इंतजाम, तुझे समझाने की जरूरत नहीं, तेरा खानदानी पेशा है, इतना काम तो कर ही लेगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? यहाँ बैठे गप्पे हाँकता रहेगा। हाँ, एक बात बता, डिंकी का कन्यादान कौन करने वाला है, तू या मैं? मैं। हाँ तो फिर शादी की तैयारियां भी तू कर, मैं अपने बेटे की शादी के बंदोबस्त में लगा हुआ हूँ। तो बेटे की शादी के बंदोबस्त में? बेटे की शादी करने के लिए कन्या की जरूरत है। कहाँ से लाएगा लड़की? अरे है, लड़की भी है। कौन है? भाभी जरा बताइए। वो अपने फैयाज भाई है ना, उनकी बेटी है रुखसाना। मैंने उनसे बात की थी, वो निकाह के लिए एकदम तैयार है। तैयार तो सलमा का अबू भी हुआ था, क्या हुआ? ओहो, तू चिंता मत कर, सब तय हो गया। कल डिंकी के चूड़े की रस्म है ना, तो भाई हमने रुखसाना को यहाँ बुलाने का फैसला कर लिया है, और चुपके से अजहर को उसे दिखा देंगे, हो सकता है बात बन जाए। क्यों पावी? बात तो सही है, लेकिन साहबजादे वहाँ मौजूद तो होने चाहिए, कि उनका मोबाइल बज कर वो फुर हो गए तो? अरे नहीं होगा फुर, अभी करता हूँ। निगोड़े
जी बड़े अबू, आपने मुझे याद किया। हाँ पुत्र, क्या है ना पुत्र, तुझे तो पता है कल डिंकी के चूड़े की रस्म है। ये रस्म वैसे तो लड़की का मामा निभाता है, लेकिन अब डिंकी का तो कोई मामा है नहीं, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसका भाई ये रस्म निभाए। है तू समझ रहा है ना जो मैं कह रहा हूँ? बड़े अब्बू, इसमें समझने वाली कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज है। आप फिक्र न करें, मैं कल पूरा दिन यहीं रहूंगा, ठीक है? बस और कुछ नहीं पुत्र, बस यही कहना था। चलता हूं। हाँ पुत्र, मैं एक बात और कहना चाह रहा था। सुन ले। हेलो, हाय अजू, हाउ आर यू? हाय, नो नो, वन मिनट। ओहो बेबी, डोंट गेट अपसेट। देखो, टुमारो इज द फाइनल डे, कल डिंकी की शादी है, परसों पहली फ्लाइट पकड़कर मैं तुम्हारे पास। नो 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 नो, यू डोंट नीड टू कम। क्यों, क्या हुआ? I'm calling from India. Calling from India. गाड़ी भेजूं आपको एयरपोर्ट पे? Yeah, Azhar. I'm calling from Chhatrapati Shivaji Airport. Listen, don't joke now. I cannot talk right now. There are some... Oh God, why don't you understand? I'm not joking, Azhar. अरे, how can you call from... तुम यहाँ कब आई? Do one thing. Meet me at Hotel Ambassador. Yeah, right now. Oh my God! क्या हो गया? हटो। ओ पर। Miss Zinat from London. Room number 10. Thank you. Hi, Azhar. तुम यहाँ कैसे आ गई? By plane. तुम यहाँ क्यों आई हो? I missed you, Azhar. मैंने तुम्हें कितना याद किया. तुम नहीं आए, तो मैं चली आई. I did something wrong. Wrong? 100% wrong. 100% wrong. मैंने क्या कहा था तुम्हें? नहीं, मैंने क्या कहा था तुम्हें? अगले हफ्ते डिंकी की शादी हो जाए, अगली फ्लाइट पकड़कर मैं तुम्हारे पास। एक तो पहले मैं इतनी टेंशन में हूँ और तुम बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ आ गई हो, मेरा टेंशन और बढ़ा दिया है। डिंकी की शादी तो कब से हो रही है ना, पर अब तक हुई नहीं। वहाँ सब मुझे पूछ रहे हैं वेयर इज अजहर, वेयर इज अजहर। वो तुम्हें इंडिया छोड़ के चला गया। 6 months, Azhar. It's been 6 months. 6 months is not a joke. ज़ीनी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या बोलूं तुम्हें जो कुछ? कब से तू बोल रहे हो तुम? You just tell me I'm coming, 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 but not reaching. You just come in and you start shouting at me. You don't even want to know कि I'm sad or I'm happy. You have changed, Mister. तुम बदल गए हो। मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो सुनो, what is this? ये क्या हो रहा है? I am going back to London. Look, 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 look. I'm sorry. I am very, 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 very sorry. Okay. Sorry. London Bridge is falling down. अब क्या हुआ? अब बताना, चुप क्यों हो गए? You love me?
Of course. Of course I love my sweetie pie. Of course. ये बताओ तुम्हारे मम्मी डैडी कैसे हैं? Nice. They want to meet you. और तुम्हारे मम्मी डैडी से भी. वो चलेंगे हमारे साथ लंदन. What are you saying? London? मेरे डैडी जिंदगी में कभी लखनऊ नहीं गए. लंदन कहाँ से जाएंगे? Okay, okay, okay. तो उनसे कह दो कि हमें परमिशन दे दो. We want to marry. जीनी, ये हिंदुस्तान है, इंडिया. मेरे माँ बाप बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं. अगर उन्हें इस बात की खबर मिल गई कि तुम लंदन से यहाँ आ गई हो, तो वो बोरिया बिस्तरा समेत मुझे भी घर से बाहर फेंक देंगे. ओ, तो क्या मैं इसे नहीं मिल सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं. पहले डिंकी की शादी हो जाए, उसके बाद हम लोग लंदन चलेंगे, पहुंचते ही शादी करेंगे, और मैं अपने मम्मी डैडी को वहीं से फोन करके बता दूंगा कि हम दोनों ने शादी कर ली है. ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस? चलो. वन थिंग. वन लास्ट थिंग. यस, गो. माय डैडी टोल्ड मी दैट इंडिया इज ब्यूटीफुल कंट्री. यू शो मी. ऑफ कोर्स बेबी, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम. ऐसा करते हैं, डिंकी की शादी हो जाए, उसके बाद हिंदुस्तान घूमेंगे और फिर लंदन चलेंगे. ओके? Promise? Yeah, promise. चल. देखो, जब तक मैं न कहूँ, तुम यहाँ से बाहर मत निकलना. जैसा मैं कहूँगा, तुम वैसा ही करना. Okay? Promise? Now I promise. Promise. Come on. Come on. हेलो मिस्टर चंदर. हेलो मिस्टर नारंग. आप ये यहीं किसी ऑफिस में काम करते हैं? मेरे ख्याल में आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है मिस्टर नारंग. जिस अंदाज में मुझे आपसे बात करना चाहिए थी, वो अंदाज आपने अख्तियार कर लिया. मिस्टर चंदर, आप ही वो शख्स हैं जिसकी वजह से मेरी वकालत पर पहला बदनुमा दाग लगा. लेकिन फिर भी बात करने की पहल मैंने की, लेकिन आपके तेवर आज भी वही हैं जो कल थे. नारंग, मैं जिन रास्तों से एक बार गुजर जाता हूँ, दोबारा कभी उन रास्तों की तरफ मुड़कर नहीं देखता. चलता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं. मिस्टर चंदर, वक्त तो मेरे पास भी नहीं है, मगर जाने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ. आपकी डिंकी की शादी होने वाली है. किसके साथ हो रही है? और किसके साथ हो सकती है? ऑफ कोर्स अमित के साथ. तो मिस्टर नारंग, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आपके बेटे के साथ? लेकिन एक बात याद रखिए, जो घर मेरा ससुराल नहीं बन सकता, वो घर आपके बेटे का ससुराल नहीं बन सकता. बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर, बहुत खुशी. अभी भी आपके दिल में कुछ चिंगारियां बाकी हैं. जस्ट मोमेंट, यू डोंट माइंड. ये लीजिए, डिंकी की शादी का कार्ड. अगर मैं इसे लेने से इनकार कर दूं तो? बेवकूफी करेंगे आप. वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है. मिस्टर चंदर, लाहौरी खानदान आपका भी दुश्मन है और मेरा भी. मैंने तो अपनी दोस्ती निभा दी, अब आपकी बारी है. बाय बाय, टेक केयर.